अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएम सी फीवर बाय जॉन मेसफील्ड। जॉन मेसफील्ड वाज बोर्न ऑन 1 जून 1878 एंड डाइड ऑन 12 मई 1967। ही वाज इंग्लिश पोएट एंड अ राइटर। ही रिमेन्ड द पोएट ल्यूरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम from 1930 till 1967. His famous works include The Midnight Fog, The Box of Delights, The Everlasting Mercy and The Sea Fever. Let's start the poem. Sea Fever. This poem is a 12-line poem divided into 3 quadrants. Rhyme scheme for each quadrant is AA BB. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. यहाँ पोइट कह रहे हैं कि मुझे वापस समंदर में जाना चाहिए क्योंकि समंदर और आसमान दोनों अकेले हैं। And all I seek is a tall ship and a star to steer her by. मुझे अपने समंदर में जो वॉयज है उसके लिए क्या चाहिए? पोएट कह रहा है कि मुझे एक बड़ा सा जहाज़ चाहिए और एक स्टार चाहिए। प्रॉबेबली इज टॉकिंग अबाउट नॉर्थ स्टार, क्योंकि पुराने ज़माने में जब सफ़र कर रहे होते थे समंदर में तो नॉर्थ स्टार से डायरेक्शन लेते थे। एंड द व्हील्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग। और मुझे क्या चाहिए? समंदर में जो जहाज़ होता है उसके व्हील की किक, उसकी आवाज़ और हवा का गाना, और जो जहाज़ में जो सेल होती है उसकी शेकिंग की आवाज़। एंड द ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस एंड अ ग्रे डॉन ब्रेकिंग। पोएट कह रहा है कि उसने समंदर को पर्सोनीफाई किया है, समंदर का एक चेहरा है, और वो कह रहा है कि समंदर के चेहरे पे है ग्रे कलर की फॉग, धुंध छाई हुई है, और ग्रे डॉन ब्रेकिंग कह रहे कि जो सूरज की किरणें हैं इस धुंध की वजह से वो भी ग्रे कलर की हैं। ग्रे कलर पोइट्री में सैड फीलिंग को शो करता है। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड। मुझे वापस जाना चाहिए समंदर की तरफ क्योंकि लहरें मुझे बुला रही हैं। इज़ अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाइड। ये एक ऐसी आवाज़ है जिसे मैं इनकार नहीं कर सकता। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे विद अ वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? मुझे एक हवा वाला दिन चाहिए क्योंकि जितनी तेज़ हवा होगी इतना ही जहाज़ मेरा तेज़ चलेगा। और वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, और बादल चाहिए मुझे वाइट कलर के, क्योंकि मुझे ब्लैक क्लाउड्स नहीं चाहिए, उसकी वजह से बारिश वगैरह हो जाती है। तो वो पोइट कह रहा है कि वाइट क्लाउड्स हों ताकि हवा तेज़ हो और साफ मौसम हो। एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लोन स्प्यूम एंड द सी गर्ल्स क्राइंग। पोइट कह रहा है कि पानी के छींटे हों और समंदर की झाग बन रही हो, और समंदर सीगल एक परिंदा होता है जो समंदर में पाया जाता है, समंदर के ऊपर रोवर करता है, ऊपर उसके उड़ा होता है। आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। पोएट कह रहा है कि मुझे समंदर में दोबारा जाना चाहिए ताकि मैं एक आवारा ज़िंदगी गुजार सकूं। वैग्रेंट जिप्सी लाइफ होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आवारापन। To the gull's way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife. पोएट कह रहा है कि मुझे जो गल्स होता है समंदर का जो परिंदा होता है उसके रास्ते पे जाना है और वेल के रास्ते पे जाना है, और उसकी ख्वाहिश है कि हवा इतनी तेज़ हो जैसे वेटेड नाइफ, ताकि वो एक एडवेंचर का मज़ा ले सके सी वॉयज में। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ मेरी यार्न From a laughing fellow rover. Poet ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि मुझे
मैरी यान एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो इस सफ़र में मुझे कहानी सुना सके। एंड अ क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन अ लॉन्ग ट्रिक ओवर। और उसके बाद मुझे एक अच्छी नींद लेनी है, जब ये सारा सफ़र मैं कर रहा हूँ तो मुझे अच्छी सी नींद लेनी है ताकि मेरा दूसरा साथी जागकर इस वॉयज को कंटिन्यू कर सके। दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आई होप यू लाइक इट।